नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आप सभी की डिमांड पे आज से कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं आपका कैसा फीडबैक रहता है। कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए हैं, किस प्रकार से फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सीरीज बहुत ही अच्छी है और इसके अंदर सारे का सारा कंप्यूटर है, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा का सारा आपका कवर हो सकता है। तो वो आप पे डिपेंड है कि आपका कैसा जो है रिस्पॉन्स रहेगा, उसी के अनुसार मैं करवाने वाला हूँ। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका होगा। तो आज के टाइम हम बात करें, अच्छे से तैयारी करने वाले बच्चे जो मेहनत से शिद्दत से जो लगातार तैयारी करते हैं उनका जरूर सिलेक्शन होता है। और आप देख भी रहे होंगे अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कॉन्स्टेबल में हुआ है या फिर SI के अंदर हुआ है, ठीक है, या फिर अभी जो रिजल्ट आया दुर्गा शक्ति का, तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, तो अच्छे से जो मेहनत कर रहे हैं उन सभी का हो रहा है। ठीक है, दिल्ली पुलिस के अंदर बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अच्छी मेहनत की वो सारे लगे हैं, तो मेहनत का परिणाम है वो देर सवेर जरूर मिलता है। अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और टारगेट विद गोस्वामी ऐप डाउनलोड करें। यहाँ पर 2021 का कंप्लीट करंट अफेयर डाल दिया गया है, सारे के सारे जो है सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर क्या है, आप सब पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, आप सब जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। बिल्कुल नॉर्मल सी जो इसकी परिभाषा है आप सब को पता है कि क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा और जो निर्देशों को क्या है इनपुट के रूप में क्या करती है, ग्रहण करती है, कलेक्ट करती है और निर्देशों के रूप में विश्लेषण करती है। कहते हैं ना कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन इनपुट द डाटा एंड आफ्टर प्रोसेस जो है फिर हमें रिजल्ट मिलता है आउटपुट के रूप में। तो यहाँ पर जो दिए हुए आप देख पा रहे हैं कि आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो आप सब जानते हैं वायरस तो आ जाता है कंप्यूटर के अंदर, गोपनीयता भी इसमें रखी जाती है, विश्लेषण भी हमें करके देता है ये, और भंडारण स्टोरेज भी होती है। तो यहाँ पर हम बात करें तो सारे के सारे ऑप्शन है इसमें क्या है राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, जिला बताना है आपको क्योंकि अभी वर्तमान में हम बात करें तो 28 स्टेट और 8 यूटी हैं हमारे। तो यहां पर पूछा गया है कि देश का प्रथम ऐसा जिला बताना है तो वो कौन सा है, अरनाकुलम, ठीक है, विल्लुपुरम या फिर थिरुवल्लूर या फिर मलप्पुरम केरल। तो यहां पर आपका डी है ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। सबसे जो पहला हम बात करें जो प्रथम जिला बना था कंप्यूटर साक्षर वो यही बना था, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला कंप्यूटर जो है कहां पर स्थापित किया गया था, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के अंदर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के अंदर, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर के अंदर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता के अंदर। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान है जो स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट यहां पर कलकत्ता के अंदर ये स्थापित किया था। कब स्थापित किया था ये भी आपको नोट करना है तो आप लिख लेंगे 1956 के अंदर। कब स्थापित किया था ये, 1956 के अंदर स्थापित किया था, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो आप सब जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, ठीक है। आप जैसी उसको हम बात करें, जैसा हम कार्य करते हैं, जैसी कमांड देते हैं उन पे जो है आधारित होता है। कंप्यूटर डाटा को इनपुट के रूप में लेकर जो है हमें जो उपलब्ध निर्देश के अनुसार जो है प्रोसेस करता है, जो भी हम उसको कमांड देंगे उसके अनुसार, ठीक है, और आउटपुट हमें उपलब्ध करवाता है, ठीक है। कंप्यूटर आप सब जानते हैं कि उसकी खुद की कोई वो सोचने की शक्ति नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसकी, ठीक है, ना ही तो वो सोचता है और ना ही समझता है, ठीक है, क्योंकि वो तो एक जो उसकी कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग ही वो जो है सारी चीजें करता है। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है, परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, खालिस्तान कहलाती है। तो यहां पर ऑप्शन दिए इनपुट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है ये तो क्या है, सारे काम हमने ऊपर देखे, ये कौन करता है, कंप्यूटर करता है, ठीक है। कोई भी डाटा हम स्टोरेज उसमें करते हैं, प्रोसेस होता है, आउटपुट इनपुट सारी चीजें होती है उसमें, स्टोरेज भी हम रख सकते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के गुण है,
तिरोगति मतलब तेज गति, त्रुटि रहित मतलब मिस्टेक ना करे, गोपनीयता मतलब यहाँ पर हमारी जो है गोपनीयता रहे, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर अपनी गति जो है, गति और त्रुटि रहित कार्य विश्व जो है एक हम उस पर विश्वास कर सकते हैं मतलब, ठीक है, उसके अनुसार होता है। और प्रोटेक्ट करते हैं हम पासवर्ड के द्वारा, आप सब जानते हैं कि पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड से हम उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये गोपनीयता होगी हमारी, प्राइवेसी होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा संग्रहण, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है डाटा प्रोसेसिंग का है डाटा को उपयोगी बनाना, ठीक है, डाटा को उपयोगी बनाना यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो अल्फा न्यूमेरिक डाटा है, ठीक है, चिन्हात्मक जो डाटा है, खालिस्तान प्रयोग किया जाता है, अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, उपरोक्त सभी का। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी का, क्या राइट होगा, उपरोक्त सभी। अल्फा न्यूमेरिक जो डाटा है हम बात करें उसमें अंक, चिन्ह, अक्षर सभी का प्रयोग होता है, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। जैसे आप सब जानते हैं कि हमें जो है एड्रेस देना है, हमारे घर का पता देना है, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि एड्रेस के अंदर जो है गली नंबर, ठीक है, या फिर वार्ड नंबर देते हैं जैसे, या फिर सेक्टर, जैसे सेक्टर 4, ठीक है, सारी चीज हम उसमें यूज करते हैं, कहाँ पर है, क्या चीज है, कहाँ हिसार लिख दिया जैसे, तो तमाम फिर हरियाणा हो गया, तो हर चीज का उसके अंदर जैसे यूज किया जाता है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीन विविधता, नहीं है पूछा आपसे, ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर का गुण नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे किया गया है इसके अंदर, तो यहां पर आएगा बुद्धिहीन, ठीक है, ये क्या है, गुण इसका नहीं है। कंप्यूटर सवे मतलब उसकी सोचने की खुद की तो कोई कैपेसिटी है ही नहीं, वो खुद तो कुछ सोचता ही नहीं है कंप्यूटर, ठीक है, तो समझ आ गया। चलिए मतलब ये कोई गुण नहीं, ये तो इसका क्या हो गया, ये कमी है इसकी, दोष है इसका, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये तो बहुत बार SSC के एग्जाम, SSC, GD, CHSL इनमें तो पूछा ही जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 1 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर, 1 जनवरी, 26 जनवरी, तो आप सब जानते हैं 2 दिसंबर को, ठीक है, 2 दिसंबर को जो है, 1 दिसंबर को आई थिंक जो है एड्स दिवस मनाते हैं, ठीक है, तो 2 दिसंबर आपको ध्यान रखना है, क्या है मतलब ऐसे किसी ऐसे याद कर सकते हो कि किसी बंदे को एड्स था और उसने अपनी जांच करवाई और रिपोर्ट किस पे दिखाई जाती है, कंप्यूटर के द्वारा जो है रिपोर्ट कंप्यूटर पे दिखाई गई, तो आप ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है, समझ आ गया भाई। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता, या फिर हम बात करें विश्व कंप्यूटर साक्षरता, कैसे भी आ सकता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश, भारत, रूस, जापान, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर आप सब जानते ही हैं कि जो डेवलप कंट्री है, ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानना। तो यहां पर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, ठीक है, सी इसमें आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, समझ आ गया, क्लियर है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ, तो डाटा भंडारण, डाटा संग्रहण, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, सूचना का विश्लेषण। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ, देखिए फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, ठीक है, ECS, एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक जो है क्लियरिंग सर्विस इसका राइट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है, ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है, और बहुत बार फुल फॉर्म ऐसी पूछी जाती है, समझ आ गया, क्लियर है। तो बैंकों में जो है कंप्यूटर के उपयोग में तेजी, बहुत सारे आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर बैंकों में देखेंगे इसका सबसे ज्यादा यूज
हर चीज, क्योंकि उनको जो क्या है गोपनीयता भी चाहिए, विश्वसनीयता भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है नंबर को, डाटा को, इनपुट को, या फिर जो है प्रोसेसर। तो आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन किसमें, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डाटा, ठीक है। डाटा होगा कंप्यूटर जो दिए गए अनुदेश हैं उनके अनुसार डाटा को प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन में बदलता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिक, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, ठीक है। ये समझो लेसन नंबर वन से ही स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है। लेसन नंबर वन से बिल्कुल बेसिक ये 15 क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान आसान, ठीक है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो जो कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में हम जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे उसमें। लगभग जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें लगभग 35-36 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। 35 से 36 क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहां पर जो है कमेंट करके आपको बताना है कि भारत ने सुपर कंप्यूटर, जो है परम, जिसका नाम था परम, भारत का सुपर कंप्यूटर जो परम का निर्माण वो है कहाँ पे हुआ था, चेन्नई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, या पुणे में। कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि कहाँ पर जो है परम जो है इसका निर्माण हुआ था, जो सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। तो इसकी जो PDF है ये मैं शेयर करूंगा अभी जस्ट, कहाँ पे, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप ऐसे सर्च भी कर सकते हो टारगेट विद गोस्वामी विदाउट स्पेस, ठीक है, @ टारगेट विद गोस्वामी। ऐप भी इसी नाम से है, सेम टू सेम नेम है, तो उसको भी डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर क्लास में। आपका फीडबैक के आधार पे ही मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करना कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए, कैसे लगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।